एक शब्द बार बार आपने सुना होगा और आगे सुनेंगे भी, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ जो है या पुरुषार्थ जो है ये पुरुष से बना हुआ है, और पुरुष का जो मतलब है वो आम बोलचाल में जो पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं या जहाँ जहाँ इस पुरुष को बोला जाता है वहाँ उनके मन मस्तिष्क में ये डाला गया है कि जो पुरुष यानी कि मेल है, पुरुष जो शब्द है वो मेल के लिए है, मेल ही पुरुष है, यानी कि जो नर है, जो मनुष्य में जो आदमी है वो पुरुष है, और उसके अंदर बड़ा ही सामर्थ्य है, बहुत ताकत है, और उसकी जो ताकत है और जो उसकी मेहनत है उसको पुरुषार्थ करके बोला जाता है। कहीं कहा जाता है कि पुरुषार्थ कीजिए यानी कि मेहनत कीजिए, ऐसा करके बोला जाता है। ये अगर पुरुष पुरुषार्थ करते हैं तो महिला क्या करती हैं, यानी महिला अगर मेहनत करेंगी, अगर कोई नारी मेहनत करेगी तो उसे क्या बोलेंगे, नारी स्वार्थ या महिला स्वार्थ। यानी पुरुष के अगेंस्ट में कोई शब्द दूसरा नहीं है। ये जो पुरुष प्रधान मानसिकता बनाई गई यानी पुरुष को ये बताया गया कि पुरुष ही मेल है, ये शब्द पाली में कहीं नहीं मिलता। पाली में बाद में इसको कहीं मेल से जोड़ने की कोशिश की गई मगर ऐसा संभव हो नहीं पाया, क्योंकि जो एक पुरुष दम्भ सारथी करके जो रत्नत्रय में त्रिरत्न में जो शब्द आता है पुरुष, पुरुष दम्भ सारथी, इसमें शय शब्द नहीं है, षटकोण वाला शय नहीं है, पुरुष बोलते हैं, पुरुष दम्भ सारथी। इसका मतलब ये होता है कि जो पुरुष है यानी कि जो व्यक्ति है, चाहे वो महिला है चाहे वो नर है या नारी है, महिला है या आदमी है, अगर वो महिला है, नर है, नारी है, कोई भी है, वो पुरुष है, वो पुरुष है, उसको दमन करना है, राग द्वेष, उसके जो राग द्वेष हैं उसको दमन करना है, और उसके सारथी हैं भगवान बुद्ध। यानी भगवान बुद्ध ने अपनी बात में कहीं ये नहीं कहा कि वो पुरुष का दम सारथी करेंगे यानी पुरुष को ही राग द्वेष से दूर करेंगे, वहाँ व्यक्ति है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पुरुष का जो मतलब है वो व्यक्तिवाचक है, दोनों के लिए आता है। इसकी आगे हम आगे और भी देखेंगे पाली में। तो पाली में एक शब्द आता है पुरी साधक। पुरी साधक का मतलब होता है मानव खोर, यानी कि जो मानव को खाते हैं, जो मनुष्य को खाते हैं उनको बोलते हैं पुरी साधक। पुरी साधक को बाद में ऐसा माना गया कि ये जो नरखोर हैं या जो आदम को खाते हैं, ये जो आदमी को खाते हैं आदमखोर, उनको कहने की कोशिश की गई। बेसिकली ये मानसिकता यहाँ, क्योंकि ये महिला प्रधान देश था और यहाँ पे नारी पालक थी, नारी सबको पालती थी, और उस मानसिकता को बाहर के लोगों ने बदलने की कोशिश की और वो यहाँ आके बदली मानसिकता। मानसिकता बदलने के कारण ही यहाँ जो ये पुरुष शब्द है उसको उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया और इसको मेल से बना दिया, नर से बना दिया और पुरुष से बना दिया। एक शब्द और है जो है पुरुष मेद। पुरुष मेद का मतलब है, पुरुष मेद को उन्होंने कहा कि ये नर बलि है, ये मानव बलि है, बेसिकली ये मानव बलि है। पुरुष मेद का मतलब जो यज्ञ होते थे पहले, पुरुष मेद जिसमें आदमी या औरत, क्योंकि औरत भी अगर उसमें काटी जाती है, मारी जाती है, तो उसको नारी मेद नहीं लिखा है कहीं, वो पुरुष मेद है। एक शब्द और है जो आपने ध्यान से सुना होगा, उसका नाम है पुरस्कार। ये जो पुरस्कार शब्द है आपने सुना होगा, और पुरस्कार तो आजकल बहुत चलता है, आपको पुरस्कार मिला क्या, आपने कोई पुरस्कार लिया क्या। ये जो पुरस्कार शब्द है, ये पुरस्कार शब्द पुरुष से बना हुआ है, पुरुष से बना हुआ है, और इससे जो पुरुषत्व है यानी कि जो मेहनत की है उसका जो इनाम मिलता है, ये चाहे नर है या नारी है दोनों को ही पुरस्कार मिलता है। इसलिए पाली भाषा के अंदर जो पुरुष है उसका मतलब व्यक्तिवाचक है, महिलावाचक या जो आदमीवाचक है ऐसा नहीं है, नर नारीवाचक नहीं है, दोनों के लिए आता है। पुरुष का मतलब मनुष्य होता है, हालांकि पाली की बात की भाषा में इसको नर से कंपेयर करने की, मनुष्य आदमी से कंपेयर करने की कोशिश की गई है। एक बात पाली का जो ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं और जो विपस्ना में जाते हैं और जो गहरी विपस्ना में जाते हैं, वो ये देखते हैं कि आदमी में और औरत में
कोई भी अंतर नहीं है, बेसिकली थोड़ी बहुत फाइलों का, थोड़ा बहुत उनकी इंटेंसिटी का, यानी फाइलें तो सारी ही होती हैं। एक मनुष्य के अंदर नर और नारी के सारे गुण होते हैं, एक नारी के अंदर नर और नारी के सारे गुण होते हैं। जो सॉफ्ट हैं फाइलें हैं, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस देती हैं, वो फाइलें जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो वो नारी बन जाती है, और अगर वो फाइलें एक्टिवेट ना हों और जो हार्ड फाइलें हैं अगर वो एक्टिवेट हो जाती हैं तो वो नर बन जाता है। ये कहना थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, मगर इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण हर एक मनुष्य लेके घूमता है कि जितने भी नर हैं वो सब नारी हैं, जितने भी आदमी हैं वो सब महिला हैं, जितने भी मेल हैं वो सब फीमेल हैं। अगर आप अपनी शर्ट के बटन खोलेंगे और शर्ट के बटन खोल के शीशे में जाके देखेंगे तो आपके शरीर की रचना ये बताएगी कि बच्चे को फीड कराने का, बच्चे को दूध पिलाने के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो तंत्र होते हैं, जो प्रकृति ने ऑर्गन्स बनाए हुए हैं, वो नर के अंदर भी होते हैं और वो मादा के अंदर भी होते हैं, यानी नारी के अंदर भी होते हैं। इससे ये बात तय होती है कि प्रकृति में बहुत पहले कभी नर और नारी एक साथ एक ही रहे होंगे, धीरे 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 उनके गुण के आधार पे वो दोनों अलग होते चले गए। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, अदरवाइज अन्यथा ऐसा नहीं होता कि नर के अंदर बच्चे को फीड करने वाले, दूध पिलाने वाले ऑर्गन होते, बेशक वो इनएक्टिव हैं, मगर जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सक हैं, जो सर्जन हैं, वो नर का नारी और नारी का नर बना देते हैं जब उन फाइलों को वो एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे किसी नर को नारी बनाना है तो उसको वो जो नारी वाली फाइलें हैं एक्टिव हैं, जो सॉफ्ट उसके गुण होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के हार्मोन्स देते हैं जिससे वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और वो नर नारी बन जाता है। ऐसे ही नारी नर बन जाते हैं। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, जो लोग विपस्ना करते हैं, जो लोग विपस्ना जानते हैं वो इसको समझते हैं और वो इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। धन्यवाद।